सिस्टम का आप एक नया एग्जांपल देखने जा रहे हो, दैट इज मर्करी थर्मोमीटर। ठीक है, तो मर्करी थर्मोमीटर, मर्करी इन ग्लास थर्मोमीटर एंड बल्ब इन थर्मोवेल। ठीक है, मर्करी थर्मोमीटर कहते हो तो इसका मतलब है कि आप ऐसे थर्मोमीटर की बात कर रहे हो जिसके बल्ब की वॉल बहुत थिन है, या कह सकते हो बल्ब आपका कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा है टू हीट ट्रांसफर। सारे के सारे जो रेजिस्टेंस ऑफर किए जा रहे हैं वे जो फिल्म के द्वारा ऑफर किए जा रहे हैं। जब आप इसका दूसरा पार्ट पढ़ोगे, दैट इज बल्ब इन थर्मोवेल और यू कैन से मर्करी इन ग्लास थर्मोमीटर, तो उस केस में आप देखोगे कि हम यहाँ पे लिखे हैं कि वॉल रेजिस्टेंस इज जीरो, उस केस में हम वॉल के रेजिस्टेंस को भी कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी हमने कंसीडर नहीं किया है, तो कंसीडर नहीं किया है तो हम कह रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल है, तो यानी कि इसका जो ट्रांसफर फंक्शन आना चाहिए वो भी कैसा आना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर का। ट्रांसफर फंक्शन मींस आउटपुट और इनपुट में रिलेशनशिप इन डिवीजन। तो इससे हम कह रहे हैं लंप्ड पैरामीटर मॉडल। क्यों लंप्ड पैरामीटर मॉडल? क्योंकि हमने कहा है कि ग्लास वॉल के द्वारा रेजिस्टेंस ऑफर नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब है कि ग्लास वॉल की या तो थर्मल कंडक्टिविटी इनफाइनाइट। ठीक है, जैसे कि आप हीट ट्रांसफर पढ़े भी हो कि लंप मॉडल दैट इज बायोट नंबर लेस देन वन अनस्टडी स्टेट हीट कंडक्शन में। ठीक है, वहाँ पे आपने देखा था कि ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर स्पेस के साथ वेरी नहीं कर रहा, टेम्परेचर इज टी इनफाइनाइट। और हमने मान लिया अंदर के टेम्परेचर क्या है, मर्करी का टी है। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर टी है और टी इनफाइनाइट, तो सीधी सी बात है टी इनफाइनाइट और टी इन दोनों में एक रिलेशन होगा। क्यों? क्योंकि जब आप टी इनफाइनाइट चेंज करोगे तो ये टी भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ कुछ एजम्पशंस लिए हैं, क्योंकि आप देखते हो कोई भी आप जब मॉडलिंग करते हो तो बिना एजम्पशंस के हमसे नहीं करते हैं। तो यहाँ एजम्पशंस क्या है, पहला ऑल द रेजिस्टेंसेस टू हीट ट्रांसफर इज प्रेजेंट इन टू फिल्म्स ऑफ फ्लूइड ओनली, सो ग्लास वॉल रेजिस्टेंस इज जीरो। सेकंड वन इज द बल्ब डजंट एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर जब बदल रहा है उस समय आपका ये जो बल्ब है या ना तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना तो एक्सपेंड, ना तो फैल रहा है ना ही तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, ओके, तो अब हमें यहाँ क्या करना है, मॉडलिंग करनी है। इसकी मॉडलिंग का मतलब होता है कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमें यहाँ देने हैं। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ हीट का ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब हम क्या करेंगे भाई, बाहर से जो हीट दी गई, जैसे कि लास्ट एग्जांपल जो हमने आपको पढ़ाया स्टीम टैंक हीटर, ये भी लगभग वैसा ही सिमिलर एग्जांपल है लाइक स्टीम टैंक हीटर। तो यहाँ क्या हो रहा है, वही बाहर से जितनी हीट का ट्रांसफर अंदर होगा, बाहर से जो हीट का ट्रांसफर अंदर होगा वही आपके मर्करी द्वारा लिया जाएगा। इट मीन्स ट्रांसफर हमारा कैसे होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम सराउंडिंग टू मर्करी and becomes equals to rate of change of accumulation within mercury। हालांकि आप ये लिखते हो क्या भाई, यहाँ energy balance आप लीजिएगा तो energy balance आपका क्या आएगा, energy balance आएगा आपका rate of flow of heat या energy in from surrounding to मर्करी माइनस रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट आउट फ्रॉम मर्करी टू सराउंडिंग एंड इट बिकम्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट एक्यूमुलेशन विद इन। तो भाई ये आपका पूरा ओवरऑल बैलेंस हो गया, बट यहाँ पे केवल बाहर से अंदर फ्लो हो रहा है हीट का, अंदर से बाहर हीट का कोई फ्लो नहीं हो रहा है। इट मींस हम इसे अप्रोक्सीमेटली क्या कह सकते हैं, अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इन फ्रॉम सराउंडिंग टू मर्करी एंड इट बिकम्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट एक्युमुलेशन विद इन मर्करी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इन फ्रॉम सराउंडिंग टू मर्करी, तो सराउंडिंग से मर्करी को क्या हीट जाती है, कैसे निकालोगे, H A डेल्टा T और हीट एक्युमुलेशन विद इन मर्करी क्या हो रहा है, M C P डेल्टा T C P
तो हमने मान लिया मरकरी का मास कितना है एम, ठीक है, मास ऑफ मरकरी विद इन बल्ब। तो आप यहाँ बैलेंस कैसे बता सकते हो, एच ए, ए क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बल्ब या सरफेस एरिया ऑफ द बल्ब, क्रॉस सेक्शन सरफेस एरिया ऑफ द बल्ब, क्रॉस सेक्शन में क्या है ये सरफेस एरिया ऑफ द बल्ब। तो एच ए टी इनफाइनाइट माइनस टी एंड इट बिकम्स इक्वल्स टू माइनस जीरो एंड बिकम्स इक्वल्स टू यम सी पी डी टी बाई डी। सो ये हमारा क्या था, दिस वन इज अनस्टडी स्टेट बैलेंस इक्वेशन वन। नाउ यू टेक स्टडी स्टेट बैलेंस। तो स्टडी स्टेट बैलेंस का क्या मतलब है, स्टडी स्टेट बैलेंस का मतलब है कि मर्करी के अंदर एक्यूमुलेशन तो है लेकिन अब रेट ऑफ एक्यूमुलेशन क्या हो गया है जीरो, यानी कि अब बाहर से अंदर का जो डेल्टा टी था वो क्या हो गया है जीरो, यानी कि आप इसे क्या लिख सकते हो, अब स्टडी स्टेट के लिए एच ए बाहर का हमने टेम्परेचर किसी स्टडी स्टेट टी इनफाइनाइट एस पे फिक्स कर दिया, जिससे बहुत देर बाद हमने देखा अंदर का टेम्परेचर भी टी एस पे फिक्स हो गया और देन यम सी पी डी टी एस बाई डी, अंदर का टी एस फिक्स हो गया और फिक्स का अगर आप करते हो डिफ्रेंसिएशन तो क्या आता है कॉन्स्टेंट डिफ्रेंसिएशन जीरो आता है। सो इट बिकम्स इक्वल्स टू जीरो इक्वेशन टू। और आप ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए जैसा कि आपको बताया गया है फर्स्ट टेक अन स्टडी स्टेट बैलेंस देन स्टडी स्टेट बैलेंस, उसके बाद आप अन स्टडी में से स्टडी स्टेट को डिवाइड करते हो घटाते हो सबस्ट्रैक्ट करते हो, उसके बाद से आप उसे टाइम के डेविएशन वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करते हो देन टाइम फंक्शन के रूप में लिखते हो, उसके बाद से लाप्लास लेते हो देन रीअरेंज करते हो टाइम कांस्टेंट को डिफाइन करते हो, आपको आपका ट्रांसफर फंक्शन मिल जाता है। तो यहाँ हमने स्टडी स्टेट बैलेंस ले लिया, स्टडी स्टेट ले लिया, आप अनस्टडी में से स्टडी स्टेट को हम माइनस कर देते हो, तो आप इसे माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा एच ए टी इनफाइनाइट माइनस टी इनफाइनाइट एस माइनस टी माइनस टी एस एंड इट बिकम्स इक्वल्स टू यम सी पी डी टी माइनस टी एस बाई डी टी। ध्यान रहे टी एस कॉन्स्टेंट था, टी माइनस टी एस कॉन्स्टेंट नहीं है, क्यों भाई, जैसा कि आपको बताया जा चुका है अगर 10 माइनस टू आपका 8 होता है हम 2 फिक्स कर दें, लेकिन इधर आप इस 10 को 9 या 8 या 5 आप करते हो तो साथ साथ आपकी वैल्यू देख सकते हो क्या हो रही है टाइम के साथ चेंज हो रही है, इसका मतलब ये टी माइनस टी एस क्या है वेरिएबल है। अब आप यहाँ क्या करोगे नाउ इंट्रोड्यूसिंग डेविएशन वेरिएबल्स डेविएशन वेरिएबल यहाँ कितने आएंगे दो, फर्स्ट वन इज टी इनफाइनाइट बार बिकम्स इक्वल्स टू टी इनफाइनाइट माइनस टी इनफाइनाइट एस एंड द सेकंड वन इज टी बार बिकम्स इक्वल्स टू टी माइनस टी एस। फर्दर हम और आगे बढ़ें तो नाउ इक्वेशन थ्री कैन बी रिटन एज अब इक्वेशन थ्री क्या हो जाएगा आपका एच ए टी इनफाइनाइट बार माइनस T bar and it becomes equals to m cp dt bar by dt। Now next हमारा क्या होगा, अब इसे हम टाइम के फंक्शन के रूप में लिखेंगे, टाइम के फंक्शन के रूप में उसे लिखते हैं जो टाइम के साथ वेरी करता है, h वेरी कर रहा है नहीं, a वेरी कर रहा है नहीं, तो h a but t bar इनफाइनाइट टाइम का फंक्शन है, t bar भी टाइम का फंक्शन है, तो m cp dt bar t by dt। अब क्या करोगे Now taking Laplace. अब आप इसका Laplace ट्रांसफॉर्म करोगे Now taking Laplace ट्रांसफॉर्म तो Laplace ट्रांसफॉर्म में क्या हो जाएगा H A यानी कि आप T डोमेन से आप कहाँ जा रहे हो S डोमेन, तो ये क्या हो गया आपका T bar इनफाइनाइट S माइनस T bar S एंड इट बिकम्स इक्वल्स टू M CP S T bar S। क्यों हमने एस टी वाला लिखा, आगे वाला क्यों नहीं लिखा हमने, जब आप लाप्लास डिफरेंशियल करते हो लिखते हो ना एस के पावर एन एफ एस फिर माइनस एस के पावर एन माइनस वन फिर एफ जीरो फिर ऐसे करते हैं एफ डैश और एस का पावर भी घटता जाता है, ठीक है,
तो आगे आप एफ जीरो लिख रहे हो या एफ डैश जीरो लिख रहे हो। एफ जीरो का मतलब मान फंक्शन का जब टाइम था जीरो, जब टाइम जीरो तो उस समय आपके पीडीसी के अंदर आता है कोई मान नहीं, इसलिए कभी भी जब आप यहाँ करते हो तो अगर डी वाई बाई डी टी का करोगे तो यस वाई एस, डी टू वाई बाई डी टी टू का करोगे तो यस स्क्वायर वाई एस, केवल आपका फर्स्ट टर्म आएगा, आगे का कोई भी टर्म टी के फंक्शन में टी बराबर जीरो को होता है वो यहाँ पे नहीं आता। ठीक है, अब क्या करोगे इसे लाप्लास ले लिया आपने, स्टडी स्टेट बैलेंस देन डिफरेंस देन डेविएशन वेरिएबल देन राइट एज अ फंक्शन ऑफ कॉल आ रही है टाइम। अब क्या करोगे इसे, क्या करोगे आप रीअरेंज कर लो, तो रीअरेंज कैसे होगा, एच ए पी बार इनफाइनाइट एस माइनस एच ए पी बार एस बिकम्स इक्वल्स टू एम सी पी एस पी बार एस, एच ए पी इनफाइनाइट एस इक्वल्स टू एम सी पी एस पी बार एस प्लस एच ए पी बार एस। आप देख रहे हो आर एच एस में क्या है आपका पी बार एस कॉमन है, देन एम सी पी एस प्लस एच ए बिकम्स इक्वल्स टू एच ए पी बार इनफाइनाइट एस, ट्रांसफर फंक्शन आउटपुट अपॉन इनपुट, यहाँ पे कॉज और इफेक्ट, कॉज इनपुट इफेक्ट आउटपुट, आपको बताएगा तो यूनिट डायरेक्शनल होता है, यानी कि कॉज से इफेक्ट आता है, इफेक्ट से कॉज नहीं आता। तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, क्या मर्करी का थर्मोमीटर का टेम्परेचर ऊपर नीचे जाने से बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर में अंतर आएगा, नहीं, लेकिन सराउंडिंग के टेम्परेचर में बदलाव से मर्करी के अंदर बदलाव आएगा, इसका मतलब ये बाहर वाला सराउंडिंग कॉज हो गया, ये इफेक्ट हो गया, यानी कि टी इनफाइनाइट इनपुट हो गया और टी आउटपुट, यानी कि टी बाई टी इनफाइनाइट इज आवर ट्रांसफर फंक्शन। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका टी बार एस अपॉन टी इनफाइनाइट बार एस बिकम्स इक्वल्स टू एच ए अपॉन एम सी पी एस प्लस एच ए। अब हमें क्या करना है, लेट अस डिफाइनिंग टाइम कांस्टेंट फॉर द प्रोसेस, टाइम कांस्टेंट कैसे डिफाइन करते हो, एस के साथ आगे वाला वन होना चाहिए, तो यस के साथ जो भी है वो टाइम कांस्टेंट है और ऊपर जो भी आपका न्यूमरेटर में हो स्टडी स्टेट गेन है। तो यहाँ हम क्या करेंगे भाई एच एस डिवाइड, एच एस डिवाइड या नीचे से आप एच ए कॉमन ले लो, तो एम सी पी बाई एच एस प्लस वन एच ए, एच ए आपका कैंसिल हो गया, देन आप देख सकते हो वन अपॉन टाउ एस प्लस वन, जहाँ टाउ क्या है एम सी पी बाई एच, यानी कि आपने फाइनली ट्रांसफर फंक्शन पा लिया वन अपॉन टाउ एस प्लस वन, यानी कि यदि हम ग्लास वाले रेजिस्टेंस को नहीं लेते हैं तो हमारा ये क्या है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की बात ही आपका ये बिहेवियर करता है, मर्करी थर्मोमीटर जहाँ स्टडी स्टेट गेन आपका वन है और टाइम कॉन्स्टेंट आपका एम सी पी बाई एच, स्टडी